इतना सब एनालिसिस करने के बाद में पर्चे बना लिए, सारी कड़ियां कर ली, बुक कर ली, फिर भी एक बार तो ब्रेजा को देखने का मन कर ही रहा है मेरा ना। तो गाड़ी में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें तो है, नो डाउट, कंपटीशन है उसके मुकाबले। तो उसी बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाके गाड़ी को देख तो लूँ। अगर मुझे इंटीरियर समझ में आ गया और एक्सटीरियर भी देख लेंगे तो उससे भी थोड़ा मन, आप जानते हो ना, एक्सटीरियर से बहुत ज़्यादा मन मचलता है आजकल गाड़ियों में स्पेशली। हाँ जी, तो भाई लोगों, आ गया है पार्कर मॉल, जहाँ पे जिस शोरूम पे मैंने गाड़ी बुक कराई है वो फाइनली, ये जो बिल्डिंग दिख रही है वो। देखो जी, बात ऐसी है कि गाड़ी को देखते हैं बाहर से कैसी लग रही है, वीडियो वगैरह में तो बहुत देख ली, थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि हाँ, मतलब पहले जो रेट जिस दिन लॉन्च हुई थी, मैंने वीडियो भी डाला था कि पूरा 99% मन था कैंसिल करने का, लेकिन बाहर से देखने के, आगे पीछे से जो क्लियर वीडियो देखने के बाद में लग रहा है थोड़ा थोड़ा मूड बन रहा है अभी, मतलब 95% पे आ गया 99 से। और स्पेशली मैं इंटरेस्टेड हूँ इंटीरियर में, अगर इंटीरियर बलेनो जैसे भी लगे तो वी कैन, मतलब 95 से 60-70 पे आ सकता है मामला। रेट तो हाँ 40-50 हज़ार रुपये तो एक्स्ट्रा हाई है, लेकिन एक 20 हज़ार रुपये का तो मेरे फ़ायदा, मतलब इन्होंने रिड्यूस कर दिया जितना मैंने सोचा, 1260 की बोल रहे थे तो भी 1240 पे आ गया कुछ इंश्योरेंस इंश्योरेंस में कम करा करा के। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब गाड़ी को मैं पहली बार देखूँगा, ये है पार्कर मॉल में अरेना, वो लिख रहा हुआ देखो वहाँ अरेना है। तो चलते हैं और देखते हैं गाड़ी को, फिर डिसाइड करेंगे कि, फिर डिसाइड नहीं करेंगे, फिर इसके बाद में वेन्यू देखेंगे और वेन्यू में बैठ के देखेंगे कि उसका स्पेस वगैरह कैसा है, क्योंकि अभी तक जो शॉर्ट लिस्टेड हो रही है नेक्सोन, बहुत कुछ हद तक आउट हो गई है लिस्ट से, जो मैंने वेरिएंट बुक किया था लोएस्ट वेरिएंट, जो अपना बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक जो होता है वो काफ़ी हद तक आउट हो गया है वेन्यू, और इसमें मैं अभी काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ ब्रेजा में। तो कुछ पॉइंट पे वेन्यू स्कोर कर रही है, कुछ पॉइंट पे ब्रेजा स्कोर कर रही है, तो सबसे पहले देख के डिसाइड करते हैं कि हाँ, कंसिडर करने लायक है या नहीं है। तो चलो चलते हैं। तो गाड़ी मुझे यहीं से दिख गई है, चमक रही है, रेड कलर ही सब जगह मुझे लग रहा है डिस्प्ले में भेजा है कंपनी ने, क्योंकि रेड कलर में रियली बहुत शानदार लग रही है गाड़ी, रेड कलर। गाड़ी रेड कलर में ज़बरदस्त लग रही है भाई साहब, और ये ग्लास दिया ना पीछे, इसकी वजह से लंबी काफ़ी लग रही है, पूरा ब्लैक करने की वजह से। और पीछे का लुक मुझे तो सबसे बढ़िया लग रहा है, मतलब अब इस रेंज की गाड़ियों में जो जितने में भी लुक है ना, सबसे बढ़िया है। और ये थोड़ी सी क्लैडिंग वगैरह बढ़ा दी है तो ठीक है, पर ठीक लग रही है गाड़ी अल्टीमेट। और सबसे बढ़िया तो ये जो हेडलाइट्स है ना, ये जो आगे प्लेट दी है जहाँ जिस पे सोजू सुजुकी लिखा हुआ है, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये लाइट तो ज़बरदस्त है, ओवरऑल ठीक लग रही है गाड़ी की। पता नहीं ये रूफ रेल वगैरह अपने वाले वेरिएंट में आएगी कि नहीं आएगी। ओके, फील तो है इस गाड़ी में, रिफ्रेशिंग फील तो है, और केबिन तो स्पेशियस लग रहा है। बलेनो में जो आदमी बैठ जाता है ना एक बार, उसको और गाड़ियों का स्पेस, स्पेशली जो 4 मीटर की जो गाड़ियाँ होती है ना, उनका स्पेस थोड़ा सा कम लगता है। मेरे को ठीक लग रहा है स्पेस, ठीक है, फाइन। टच स्क्रीन थोड़ा छोटा आएगा अपने वेरिएंट में, ये ऑटो आएगा, क्रूज नहीं आएगा, फाइन। ट्यूटर नहीं आएंगे उसमें भी, एक साइड में दो चार चीज़ें हैं जो नहीं आएगी, दो चार नहीं बहुत सारी हैं, दो चार ये चीज़ें हैं जो आएगी भाई, जो लोग मैनुअल लेना चाहते हैं ना। क्लच, क्लच बड़ा लाइट है यार, भयंकर लाइट क्लच है, मजे आ रहे हैं। मैं तो अभी ब्रेजर चला के आया हूँ तो ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर चला के आया हूँ, ब्रेजर के सॉरी बलेनो। पीछे आ गए, पीछे माहौल कुछ ऐसे है भाई सब बढ़िया। देखो मेरे ऑलमोस्ट जब मैं पैर ऊँचे भी कर ले रहा हूँ जमीन से, ये देखो ये इतने ऊँचे करने के बाद भी थाई सपोर्ट है, नीचे टिकने के बाद तो फुल सपोर्ट है इतना थाई सपोर्ट है कि मेरी तो जांघें चौड़ी हो गई ये देखो अच्छा है स्पेस मैनेजमेंट, ये मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रखी है मैंने, और ये इतना स्पेस है, मेरी हाइट है 5'10". ये जो सब टच दिया है ये ठीक लग रहा है थोड़ा, ओके, इसकी वजह से एयरी फील बढ़ गई है।
तीन से एक लैंप यहाँ दिया है, काफी पीछे भाई साहब, यहाँ देते तो क्या होता पता नहीं। ये सनरूफ है जो अपने वेरिएंट में नहीं आएगी। क्या करना चाहिए, पीछे से तो बिल्कुल किलर है, मतलब ये सेगमेंट किलर है, मैं कह रहा हूँ। ना बहुत अच्छा, बहुत चौड़ी लग रही है लाइटों की वजह से, स्पेशली अच्छा लग रहा है। हाँ आगे से भी ठीक है, ऑटो है VXL। इससे बैठने के बाद उसमें बैठ रहे हैं तो रिफ्रेशिंग लग रहा है, बट जैसी मैं क्वालिटी, मतलब जो प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल वैसा नहीं है, ये काला वाला वैसा ही है, तो कुछ अलग अलग टच जरूर दिए हैं, वो चीज़ ज़रूर है। बाकी हाँ जी देख ली भाई सब गाड़ी, और गाड़ी में ही बैठ के बात करते हैं वापस से कि क्या है माजरा। भाई बात यूँ है, गाड़ी में लुक्स के हिसाब से दम तो है, नो प्रॉब्लम। रही बात इंटीरियर की, जो क्वालिटी थी यहाँ आने के बाद भी मेरी एक्सपेक्टेशन केवल 70% फुलफिल हुई, मतलब 30% मन में रह गई खटास की हाँ नहीं जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ अपग्रेडेड है, ठीक लग रहा है। पहले वाली से तो काफ़ी बेटर लग रहा है, पहले वाली का तो एक बार मैंने चलाई थी, टेस्ट ड्राइव ली थी, तो उस टाइम पे मैंने तुरंत ही ये बलेनो लेने से पहले, हाँ सही कह रहे हो, बलेनो लेने से पहले एक डीजल थी JDI, उस टाइम मैंने इंटीरियर देख के रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी का जो लेआउट वगैरह है उसके हिसाब से काफ़ी काफ़ी ठीक लग रहा है, कंसिडर किया जा सकता है मतलब कुल मिला के। तो अब वेन्यू फेसलिफ्ट का और देख लेते हैं अपन एक दिन चल के, उसके बाद में फाइनल करेंगे कि क्या है। लेकिन हाँ वो जो 90% पे पहुंच गया था ना अपना आंकड़ा, वो अभी भाई साहब लगभग लगभग मान लो 80 पे आ गया है वो, तो गाड़ी में दम तो लग रही है यार, और रेट तो है 50,000 रुपये तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन दम लग रही है गाड़ी में। तो अगली वेन्यू देखते हैं अब, क्योंकि वेन्यू इसी प्राइस पॉइंट पे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो रही है, मतलब ये जो 30-40 हज़ार रुपये मैं एक्स्ट्रा दूंगा ना इस गाड़ी के लिए वेन्यू के मुकाबले, एक दो ही चीज़ें हैं जिनके लिए देना पड़ेगा, एक तो इंजन और एक लुक्स, इसी के पैसे देने पड़ेंगे, बाकी घटा घटा है। तो पहले अंदर से बैठ के देखते हैं वेन्यू में कैसी फील आती है, क्योंकि पुरानी वेन्यू में मेरे को एक ही प्रॉब्लम थी कि मेरे को क्लस्ट्रोफोबिक सा फील होता था उसमें, मतलब बीची बीची लगती है गाड़ी, छोटी लगती है काफ़ी अंदर से, डैशबोर्ड वगैरह सब, वो कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि सेम सेगमेंट की गाड़ी है, एक बार देखते हैं चल के और फिर डिसाइड करेंगे। बाकी इस वीडियो में तो यही वर्डिक्ट है कि 15% और झुकाव लेने की तरफ हो गया है, और वेन्यू फाइनल डिसाइड कर देगी कि लेना है कि नहीं लेना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मेरी डिलीवरी का ये है कि VXI ऑटोमेटिक अभी तक इनके पास एक ही बुकिंग आई है, तो वैसे भी कह रहे हैं लोग कि ये वेरिएंट जो है वो ओवर प्राइज्ड है बाकी वेरिएंट के मुकाबले, लेकिन ऑटोमेटिक में मैं और पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता फालतू में फीचर्स के चक्कर में, तो 30-40 हज़ार रुपये यहाँ वेस्ट हो जाएँ भले, लेकिन और मैं 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अगले वेरिएंट में जाने के लिए। तो अभी पहली जो डिलीवरी होगी ऑटोमेटिक की VXI मॉडल की वो मेरी होगी, यहाँ पे इनके 5 डीलरशिप है, जगमोहन मोटर्स हैं ये, तो सोनीपत में इन्हीं का है मारुति का, तो यहाँ इनकी 5 डीलरशिप्स है और मेरी VXI की बुकिंग है, फर्स्ट बुकिंग मेरी है। उन्होंने कहा है कि बाकी और कितनी आई वो मुझे नहीं बताया, बाकी फर्स्ट VXI ऑटोमेटिक की बुकिंग मेरी है, तो इस महीने के एंड तक हो सकता है मेरे को डिलीवरी मिल जाए, वैसे बोल रहे हैं, तो लेट्स सी बाकी देखते हैं। बाकी हुंडई का भी वेटिंग का तो है चक्कर, तो चलो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, चलो टेक केयर, बाय बाय।